इतनी भयंकर गर्मी में भी आप सब भगवत कथा सुनने हेतु अपने आश्रम में पधारे हैं, आप सबका हृदय से साधुवाद। घर से निकलते ही तपिस ऐसी महसूस हो रही है जैसे तन जल जाएगा, फिर भी आप सब अपने आश्रम में राम कथा सुनने की इच्छा से आए हैं, तो इससे साबित होता है कि आपका ये किसी पूर्व जन्म का पूर्ण है जिसने आपको राम कथा सुनने के लिए प्रेरित किया। राम जी की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जगत नियंता, जगत पालक जगदीश जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी को अपनी चर्चा सुनवाते हैं, जिसके तरफ अपनी उंगली उठा लेते हैं, इशारा कर देते हैं, निगाह कर लेते हैं, नज़र फिरा देते हैं कि अब ये बहुत जगत के प्रपंचों में फंस करके दुखी हो चुका है, अब इसे हमारे पास आना चाहिए, उसी को राम कथा सुनवाते हैं। राम कथा कलि कलुष नसावन, ये कलयुग के कलुष को समाप्त करने वाली राम कथा है। राम कथा सुनने वाले साधक, राम कथा की इच्छा रखने वाले साधक के हृदय में, जीवन में मंगल नहीं होता, सुमंगल होता है। जिसके जीवन में सुमंगल आ जाए उसका जीवन राममय हो जाता है। राम और राम कथा यह दोनों अलग हो करके भी एक जैसे हैं, उसी तरह से जो भक्त है भगवान की उस कथा को सुन करके भक्त भगवानमय हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। राम कथा कैसी भी हो, कहीं से मिले, साधक को अवश्य सुनना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुनने को मिले। उस व्यक्ति के स्वभाव भाव प्रभाव से हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें राम कथा सुनने के मिले यह हमारे लिए हमारे जीवन में जरूरी है। हमारी सोच होनी चाहिए कि संत हंस पय गहि परिहरि बारी विकार, संत हंस गुण गहि पय। संत का स्वभाव होना क्या चाहिए? हंस के जैसा। आप सब यह न सोचो कि आप सब संसार में हो तो क्या आप संत हो कि नहीं हो। जिसके अंतर हृदय में परमात्मा के नाम रूप लीला धाम सुनने समझने की उत्कट उत्कंठा का जागरण होने लगे वही संत है। कोई लाल पीला पहन करके संत नहीं होता। संत वह होता है जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ यह भाव बार बार हिलोरे मारता रहे कि कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए, हम राम की कथा सुन ले। क्योंकि राम की कथा है कैसी, तो कहा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम की कथा सुनते समय, भजन गाते समय सुंदर कर तारी, अपने हाथ की दोनों हथेलियों को एक साथ में जोड़ना, गति देना, जो आवाज उठे वह हमारे मन के संशय रूपी पक्षी को उड़ा देता है। अब ऐसे समझ लो कि
कि आप किसी बगीचे में गए और आप देखा कि बहुत सारे पक्षी हैं और जैसे ही आप हथौड़ी बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं। उसी तरह से जब राम के बगीचे में आप राम कथा के बगीचे में प्रवेश करें तो भगवत नाम का जब गुणानुवाद होने लगे, भजन होने लगे या कुछ भी होने लगे तो उसमें आप संशय विहंग, आपके अंतर हृदय में जो संसार जगत और जगदीश के बीच में जो संशय है वह राम कथा सुनते सुनते उड़ जाएगी, वह संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम कथा अत्यंत जरूरी है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, यह न देखें कि अरे इतनी रात हो गई अब हम राम कथा सुनने के लिए जाएंगे तो हम लौट करके कब आएंगे, ऐसा भाव न हो। मिल जाए भोर में, भोर का समय है, हनुमान जी सजीवन बूटे लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में खाल नेमी राम चर्चा कर नहीं रहा होता, राम गीत गा रहा होता है और आवाज जब पड़ती है तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हनुमान जी महाराज की है कि जहां राम कथा हो रही हो वहां पहुंच जाते हैं। एक आप हैं कि आप हनुमान जी से ज्यादा अपने आप को बलवान समझते हैं, अथवा क्या कहूं, उनसे ज्यादा अपने आप को सम्मानित समझते हैं। कोई चिट्ठी पत्री तो आया नहीं है तो मैं कैसे जाऊं कथा में, कोई बुलावा तो आया नहीं है तो मैं कैसे जाऊं कथा में। राम कथा के लिए बुलावा अगर आपको आया तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसा क्या हो गया, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई कि उनको बुलावा भेजना पड़ा। बुलावा आए तो उसे आप अपना सम्मान नहीं अपमान मानो। जिस दिन यह आपके अंदर भाव उतर आएगा उसी दिन आपके लिए राम कथा बन जाएगी। जब तक यह सोचोगे कि बगल में राम कथा हो रही है, अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, इससे नहीं, राम कथा जो भी है, घी का लड्डू जैसा भी हो, टेढ़ा हो, वो ठीक है। राम कथा हो रही है जैसी भी हो रही है, आप घर के लोगों से न पूछें अरे कोई कार्ड आया था क्या, कोई निमंत्रण आया था क्या, अगले के यहां शादी पड़ी है कार्ड निमंत्रण का खूब प्रतीक्षा करो, नहीं आया ना जाओ। अगले के यहां अन्य कोई कार्यक्रम है कार्ड की खूब प्रतीक्षा करो, निमंत्रण की प्रतीक्षा करो, नहीं आया नहीं जाओ। लेकिन राम कथा हो रही हो तो कम से कम हनुमान जी से सीखो कि एक राक्षस भी रात्रि में राम राम कह रहा है और अपने बेग को कम करके थोड़ा सा सुनते हैं और नीचे उतर आते हैं। ठीक है वह राक्षस है, उन्हें फंसा करके रोकना चाहता है, उनके अंदर की मन रूपी मंगरी ने कहा नहीं यह दुष्ट आत्मा है, इसने आपको फंसाया, उसको भी कृतार्थ किया, उसको भी एक अच्छी गति दी, क्योंकि उसने राम कथा कही थी इसलिए हनुमान जी ने उसे गति दी। अब ये मत सोच लीजिएगा कि सिर्फ भगवान ही गति देते हैं, भगवान के भक्त भी उचित लोकों में अपने पूर्ण प्रताप से किसी को भी भेज सकते हैं। इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में प्रेम रखना चाहिए। आज की कथा थोड़ी लंबी है, लंबी इस मामले में है कि धनुष यज्ञ हुआ तो उसमें हमारे लखन जी का, परशुराम जी का थोड़ा संवाद है, उस संवाद को हम ज़्यादा नहीं ले चलेंगे, कथा विदित है सब जानते हैं, उसको हम दूसरे स्तर से आप लोगों से साझा करेंगे। तत्पश्चात हम विवाह में जाएंगे, थोड़ा हम वहाँ पे अवध का चरित्र आप लोगों को बताएंगे, कुछ मिथिला की चीज़ें बताएंगे, एक दूसरे का प्रेम परस्पर कैसे हुआ, कुछ मिलाप बताएंगे जो आपके हृदय में बैठेगा, जिसका आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपको आनंद आएगा। तो आइए हम सभी राम कथा को अपने हृदय में उतारने के पहले परमात्मा के नाम का गुणगान कर लें, तत्पश्चात राम कथा में प्रवेश करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमादि देव पुरुष पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमस्य विश्वस्य पर्याम निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वयात तह विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वयात तह विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवत धर्मानुरागियों, आज राम कथा में कुछ हम लोग अपने से, चूँकि भगवान का विवाह होने वाला है, तो भगवान का विवाह है तो भगवान के विवाह में थोड़ा थोड़ा कुछ ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारी ये जो राम कथा है, हमने शुरू में ही कहा था कि चार घाट पर यह राम कथा चल रही है।
तो ये जो चार घाट है उसकी चर्चा हम आप सबको गीत के माध्यम से कर रहे हैं, और साथ में चाहेंगे कि आप सभी भी उसका गायन करें, फिर हम रामकथा में प्रवेश करेंगे। इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि आइए, आज विवाह है प्रभु का, तो गीत का ही दिन है, तो हम सभी रामकथा को गीत के माध्यम से ही चलते रहें, कहते रहें, और गीत में ही आज हम लोगों का समय व्यतीत हो। और हम फिर बाद में चल करके अपने बच्चों से भी कहेंगे कि आप लोग भी आज रामकथा में, रामकथा की पूर्णाहुति हो जाए तब भी आप गीत का गायन करें, विवाह का गायन करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इस श्रवण कर मिट जाती है, इस श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जो चार घाट बने हैं उन एक घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर बैठे हैं, और 80 घाट पर बैठ करके राम कथा कह रहे हैं। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, बुध बेसाम सकल जन रंजनी, बुध बेसाम सकल जन रंजनी, काम कथा कल कलु सभ भंजनी, राम कथा कल कलु सभ, राम कथा कल कलु सब भंजन, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। अब हम सभी दूसरे घाट पर जा रहे हैं, और यह दूसरा घाट हमारा याज्ञवल्क जी बैठे हैं कहाँ, प्रयागराज में,
और प्रयागराज में याज्ञवल्क जी इस कथा को भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, तो भरद्वाज जी कथा का आरंभ करने हेतु याज्ञवल्क जी को प्रणाम करके अपने पास बैठाते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब यह राम कथा शुरू होती है। तो फिर से अब हमारा दूसरा घाट जो है वह राम कथा का याज्ञवल्क जी के साथ में है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। महामोह महिषेश विशाला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करई जेहि पाना, गा कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री। अगला घाट हम लोगों का है भगवान पार्वती और शिव कैलाश पर बैठ करके कर रहे हैं, यह तीसरा घाट है हम सभी का। और इन चारों घाटों का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए यह जो कथा हो रही है तुलसीदास जी 80 घाट पे करते हैं। 80 का मतलब गिनती में 80 मान लो, चार बचता है 84 से पार होने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए तुलसीदास जी 80 पर बैठ करके कथा कह रहे हैं। याज्ञवल्क जी प्रयाग में बैठ करके कथा कह रहे हैं और हमारे भोलेनाथ बाबा कैलाश पर बैठ करके माता को कथा सुना रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, राम कथा कलि बिटप कोठारी, राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी,
राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती के यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय अब चौथे घाट पर हम सभी चलते हैं, जहां पर स्वयं गरुण जी महाराज काग भुसुंडी से कथा सुनने आए हैं। और कथा सुनने आने के पहले ही काग भुसुंडी के द्वारा कथा कही जाने के कारण इतनी आभा मंडल है, इतना दिव्य प्रकाश है उस पर्वत पर कि जितना भी संशय गरुण जी का था तत्क्षण समाप्त हो गया। तो यहां पे काग भुसुंडी नहीं कह रहे, यहां पे गरुण जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय सुनहु तात जहि कारण आयउ, सुनहु सुनहु तात जहि कारण आयउ, सो सब गयउ दरस तव पायउ, सो सब भयउ दरस तब पायउ, देखि परम तव पावन आश्रम, देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम, सादर तात सुनावहु मोहि, तात सुनावहु मोहि,
बार बार बिनवऊ प्रभु तोई, बार बार बिनवऊ प्रभु तोई, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, मंगल भवन य मंगल हारी, द्रव्यु सुदशरथ यजिर बिहारी, मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि,
वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे मेरे राम, हे राघव, हे मधुसूदन, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, राम कथा कलि कलुष न सावनी, राम कथा सुंदर कर तारी। राम की कथा से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, क्योंकि बिना लेन देन के तो जगत चलता नहीं। हमारे किसी भी कार्य में, जीवन के किसी भी कार्य में कोई न कोई आयोजन, किसी प्रयोजन के साथ में कुछ न कुछ कामना छिपी होती है। बाबा भी मानस में भी कहते हैं कि राम कथा सुनने से क्या मिलता है, तो लास्ट में कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। पांच प्रकार के विकार, पंच जनित विकार, पांच प्रकार से जन्मे हुए विकार श्री रघुवर हरे। और क्या हरे कहा? दारुण। दारुण शब्द कहते हैं बहुत ही कठिन, जो जिसको हटाया ना जा सके। तो सबसे बड़ी दारुण क्या है? अविद्या है। ये अविद्या क्या है? विद्या और अविद्या, ये दो माया के रूप हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, ये विद्या है। ये संसार की रचना करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, किसके बस में, किसके प्रभाव से जाके, यानी परमात्मा के ही कृपा प्रसाद से एक संसार की रचना करती है। अष्टांगी प्रकृति। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित, किसकी प्रेरणा से? प्रभु प्रेरित, नहीं निज बलता के, उसके पास अपना कोई बल नहीं है, वो विद्या है। और अविद्या क्या है? उसके लिए बाबा मानस में कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ताबस जीव पड़ा भवकूपा। एक जो दुष्ट है, जो अविद्या है, वही ले आकर के जीव को बार बार इसी प्रपंच में फंसा देती है। कितने रूप लेकर के आती है? अरे पगले, भगवान का रूप लेकर के आ जाती है। कितने रूप की बात छोड़ो, कभी कभी तो वो भगवान का भी रूप लेकर के आ जाती है और फंसा देती है। वो अविद्या है। इतनी मन बढ़ी है, इतनी मन बढ़ी है कि वो कुछ भी कर सकती है, परम स्वतंत्र है, तो क्या भगवान उसको रोकते टोकते नहीं? भगवान को उसे रोकना टोकना चाहिए? भगवान कहते हैं कि मेरे ही द्वारा वो संचालित होती है, वो मेरे भक्त की परीक्षा लेती है। जो मेरा भक्त जितना मेरे करीब आने को होता है,
उतना प्रबल रूप धारण करके वो उसके पास पहुंच जाती है। तो ये प्रभु कब तक पहुंचती रहेगी? कहा जिसके ऊपर गुरु कृपा है उसके पास भी पहुंचेगी, पहुंचने से बाज नहीं आएगी, लेकिन गुरु कृपा से उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी। जाएगी जरूर, धक्का मारेगी, प्रभाव देगी, दुखी करेगी, लेकिन जिसके ऊपर गुरु कृपा है उसका नुकसान नहीं कर पाएगी, यह मैं वचन देता हूं। तो प्रभु ये करती ही क्यों है ऐसा, रोक क्यों नहीं देते? अरे नहीं पगले, जो मेरा होना है, जो मेरा होने के लिए आतुर है, जो जिसको मुझे छोड़कर के दूसरी गति नहीं है, तो रंच मात्र का भी उसके ऊपर जो कामनात्मक दाग है, मैं उसे डिटर्जेंट लगा करके पूरी तरह से धुलूंगा, उसे साफ करूंगा। तो क्या वो साफ नहीं करता? अरे करता है, ऐसा नहीं है कि वो साफ नहीं करता, लेकिन साफ करते 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 कभी भटक जाता है, कभी भूल जाता है। जैसे आप सब कपड़ा साफ कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी साबुन लगाते 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 कहीं एकाक जगह रह जाता है, ध्यान में नहीं रहता, और जब धुल करके आप डाल देते हैं प्रेस करने के लिए, जब कपड़े को उतारते हैं तो कहते हैं अरे एक दाग तो अभी रह गया। अब आपके पास दो विकल्प, एक नया कपड़ा आपके पास रखा है और एक आपने प्रेस किया अपना फेवरेट कपड़ा, दाग थोड़ा सा दिख रहा है। अब बताओ किस कपड़े को पहनोगे? भले कुछ हो जाए आप सोचोगे कि नए वालों की ही पहन लें, क्योंकि इसमें तो भले ही हमने ही धुला है, लेकिन पहनने योग्य कौन सा रह गया नया वाला। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसा ही थोड़ा दाग लग जाने के कारण जीव को एक जन्म पुनः लेना पड़ जाता है वो नया वाला कपड़ा पहनने के लिए, और वो फिर नया वाला कपड़ा पहन करके प्रभु के मार्ग में उस मंजिल को, कौन मंजिल? प्रभु की मंजिल, प्रभु को प्राप्त करने के लिए फिर दर कदम आगे बढ़ता है, एक एक कदम। अब संत भी मिला है और संत पीछे से कह भी रहा है, संतो जागतनी देन की जो, संतो जागत नींद न की, नींद नहीं आनी चाहिए जागत। अच्छा जागते हो तो नींद कैसे आएगी? नींद आने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि उस अविद्या रूपी माया से वह जगत में जो व्याप्त है उससे संत सचेत कर रहा। वो किस किस रूप में आएगी? तो कहा रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। साधन जब ऊपर उठा, सबसे बड़ी बात एक होती है साधकों के लिए, भजन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, अब साधन भजन उनका चल रहा है, उनके मन में एक कामना का रूप लेकर के माया आ जाती है। अब वो कामना क्या है? हर साधकों के अंदर आती है, मैं बता रहा हूं वो क्या है। अच्छा मैं इतना भजन कर रहा हूं, कहां तक पहुंचा हूं कैसे पता चलेगा? आ गई कामना का रूप धारण करके आई, मैं कहां तक पहुंचा। भाई कोई आदमी किसी मंजिल की तरफ जाता है तो जितने कदम बढ़ता है, दूरी तय करता है, तो उसको यह एहसास तो होता है ना कि हमने इतनी दूरी तय करी, अभी इतनी दूरी बाकी है, रोध होकर के पहुंच जाऊंगा, कैसे भी करूंगा पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस मार्ग में साधक को पता नहीं रहता कि वो कितनी दूरी तय कर पाया। वो पता किसे होता है? जिसके साथ में साधक जुड़ा होता है, वो किसी गुरु को पता होता है कि मेरा अपना कहां तक की दूरी तय किया है। और गुरु को यह भी पता है अब अगला स्टेप बड़ा कठिन आने वाला है, तो मेरे हाथ में अब ऐसे समझ लो, तो मैं समझाऊं आपको कि एक पहाड़ की चोटी है, चोटी पर
गुरु बैठा है उस परमात्मा स्वरूप के साथ में, साधक से कह रहा है कि तू चल, चढ़ करके आ, मैं बैठा हूं। अब साधक अपने बलबूते श्वास पर श्वास के द्वारा चल रहा है, समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूं। साधन के द्वारा, क्रियाविधि के द्वारा सुकृत इकट्ठा कर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा। अब साधक के आंख में माया ने एक पट्टी बांध रखी है, वो देख नहीं पा रहा, बस गुरु के इशारे को समझ पा रहा है, उसके कान में कुछ जा रहा है, ठीक है बेटा बढ़ते चलो। थोड़ा सा साधक का हृदय और, लेकिन फिर सोचता है कि काश गुरु जी ये बता देते कि थोड़ा दूरी रह गया है, अब कितना रह गया है, कैसे चल पाऊं। और इतने में ही उसे उसी पर्वत के पास में, उसी पहाड़ी के पास में कोई एक वृक्ष दिख जाता है, दिखता तो नहीं है, यह एहसास होता है वृक्ष का। और जैसे ही वृक्ष का यह एहसास होता है तो उसकी शीतल छाया में वो थोड़ी देर तक विश्राम करने लग जाता है, और जैसे ही वो शीतल छाया में थोड़ी देर तक विश्राम करता है, ऊपर की तरफ मुख किया है, उसी वृक्ष की डाल में मधुमक्खी का एक छत्ता है, और उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद बूंद बूंद करके गिर रहा है, आंख में पट्टी बंधी है, मुंह ऊपर किया, एक बूंद शहद उसके मुख में टपक पड़ा। अब जैसे ही मुख में एक बूंद शहद टपका, मिठास का अनुभव हुआ, वह अपने गंतव्य को भूल गया और प्रतीक्षा करने लगा कि एक बूंद और आ जाए, एक बूंद और आ जाए, और मुंह फैलाए, वो बार बार उसी एक बूंद जो कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद गिरती है, डाल पकड़ करके बैठा है, तना पकड़ करके बैठा है, दुखी है, पूरे शरीर का भार है, ऊपर की चढ़ाई है, पकड़ करके बैठा है, दुखी भी है, लेकिन एक बूंद शहद के लिए तड़पने लगता है। यही एक बूंद सुख है जिसके लिए आप व्याकुल हैं, यही एक बूंद। और यह ऐसे समझ लीजिए कि जब भगवान हमारे मनुष्य रूप में जगत में आए तो इस बात को नामकरण करते समय स्वयं वशिष्ठ जी ने कहा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सिर्फ सुनते ही शुभ हो जाए, सिर्फ नाम कान में पड़े और आपका सुमंगल होने लग जाए, विचार करिएगा, सिर्फ नाम कान में पड़ रहा है और आपका सुमंगल शुरू हो जाए, कितनी बड़ी बात हो सकती है। कि अभी आपने मुख से उच्चारण नहीं किया, नाम खाली सुना, शुभ हुआ, और फिर मोरे गृह, गृह कोई आपका घर ईंट पत्थर वाला नहीं, आपके हृदय भवन में अगर वह आ गया, कौन आया, जिसका नाम सुनने से शुभ हो जाता है। फिर कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमी, जिसके स्मरण मात्र से, रिपु का, रिपु कौन, बाहर का शत्रु नहीं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, जिसके स्मरण मात्र से, जिनका नाम लेने से, जिसके सुमिरन से, विचार करिए, थोड़ा सा भी विचार करिए कि जिसकी आप कथा सुनने के लिए इस इतने बड़े टेम्परेचर में
40-42 के टंग प्रेचर में आप अपने आश्रम में उपस्थित हुए हैं, वो कोई महान नहीं है। उतना कह करके उसकी महिमा को आप न घटाओ, वो महान नहीं है। वो महान को महान के महान को प्रकट करता है, जन्म देता है। विचार करिएगा, उस महान के महान के महान को वो प्रकट करता है। कौन है वो? तो कहा वो आनंद का स्वरूप है। एक बूंद आप उस आनंद को, एक बूंद शहद के आनंद को आप ले करके अपने उसी को सुख मान करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हो, मंजिल को छोड़ देते हो। मंजिल क्या है? वही चढ़ाई श्वास पर श्वास की, वही श्वास पर श्वास की चढ़ाई। अपाने जुहति प्राणम प्राणापाने तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। ये श्वास पर श्वास की जो चढ़ाई है, उस श्वास पर श्वास की चढ़ाई में थोड़ा सा अगर आपको व्यवहारिक जगत का माया के द्वारा, कौन माया? अविद्या के द्वारा जो सुख मिल जाए, उसी सुख को आप सुख मान बैठे हो और उसी सुख के कारण अपनी चढ़ाई को भूल बैठे और वहीं शिथिल होकर के रुक गए। लेकिन कभी आपने ये विचार किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यसनामा, सकल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम यसनामा, सकल लोक दायक विश्रामा। आप उस आनंद की सिंध को जो आपकी मंजिल है, उस मंजिल को भूल बैठे इस अविद्या के कारण है, इस अविद्या के कारण भूल बैठे। यही कारण है कि रामचरितमानस की रचना की गई और रामचरितमानस की रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचरितमानस को सुनता है, पढ़ता है, तो दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे। तो सुमंगल क्या होता है यह भी आप जान लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में सुमंगल सात हैं। यह सात सुमंगल कैसे मिलते हैं, कैसे होते हैं? जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए उसी को यह सात सुमंगल मिलते हैं। रामचरितमानस का दोहा है तो नहीं है यह, शायद मेरा ख्याल है यह दोहा हमने लिया है गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहावली से। ये सुमंगल है कौन? सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात। आप सब भी कहें, सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात, तुलसी से तापति भगति, तुलसी सीतापति भगति, सगुन सुमंगल सात, सगुन सुमंगल सात। ये सात सुमंगल हैं आपके जीवन में। पहला सुधा अमृत। सबसे पहला सुमंगल क्या है? अमृत। तो अमृत क्या है? ये अमृत है कैसा? वो जो
14 रत्नों में से एक निकल करके आया था वो, तो अमृत है क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। काल सदाय अपने रस डोले, काल सदा ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने हरि का नाम जपो निसवासर, हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो निसवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, जो सात
सगुण हैं, जो सात सुमंगल हैं। पहला है सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत मतलब हरि का नाम। दूसरा साधु, जिसके जीवन में संत आ जाएं, उसके जीवन में सुमंगल हो जाता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव तरई न कोई, जबु बिरंचि संग कर सम होई, जौ बिरंचि। तो दूसरा संत आ जाए जीवन में। तीसरा कहा सुर तरु, सुर तरु का मतलब क्या है? वही जो स्वर्ग में है, आप लोगों को पता है कल्प वृक्ष बाबा, लेकिन वह सुर तरु नहीं है। कौन सा सुर तरु आए? तो कहा यह जो शरीर है इसमें दो हैं, द्वाविमौ पुरुषः लोके दैव आसुर एवच, एक दैव है और दूसरा आसुर, ये हमारे ही अंदर है। तो वो जो आसुरी वृत्ति है वो छूट करके दैविक वृत्ति से, दैविक वृत्ति की छांव हमें मिल जाए, उसी का नाम है सुरतरु। तो सुधा साधु सुर तरु सगुण, सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुमन, सुमन का मतलब कोई फूल नहीं, सुंदर मन। अब यह सुंदर मन कब होता है, कब हो पाएगा यह सुंदर मन? जब हरि की कथा सुनेगा तभी यह मन सुंदर हो पाएगा। विषयासक्त जब तक इसके अंदर विचार आएंगे तो क्या यह सुंदर हो पाएगा? तो सुंदर मन कब होगा? जब हरि की कथा सुनेगा। तो सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात। सुफल, आपके जीवन में सुंदर फल। सुफल का मतलब सुंदर फल। अब ये सुंदर फल क्या है, क्या हो सकता है सुंदर फल? तो सुंदर फल यही है कि इस जीवन का विश्राम मिल जाए, पायो परम विश्राम। यानी जो यह विषयासक्त जीव था उसके अंदर कौन आ जाए? राम, विष, यही सुंदर फल है। ये जो विष से भरा कनक घट, जैसे ये जो विषयासक्त विष भरा था, विषय रूपी जो विष भरा था, इस विषय रूपी विष में राम की कथा सुन करके जो सुंदर फल आए, तो कौन सा सुंदर फल आएगा? जब पायो परम विश्राम, जब परम विश्राम मिलेगा। और जब विश्राम मिलेगा तो विष निकलेगा और कौन रहेगा? राम आ जाएगा। इसी का नाम है सुंदर फल। और फिर कहते हैं तुलसी सीतापति भगति। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीतापति भगति, अब दूसरे भाव में अगर कहा जाए तो कहते हैं कि राम जी की भक्ति सीतापति भगति, यही होता है ना, सीतापति तुलसी सीतापति भगति। तो सीतापति कौन है? राम जी हैं। ये तो अर्थ है ही है कि तुलसी सीतापति भगति, राम जी की भक्ति मिल जाए। लेकिन दूसरे भाव में कहते हैं कि सीता भी मिल जाए। सीता कौन है? हम आपको इतने दिन से चर्चा करते हुए आ रहे हैं
और हमने कहा है कि सीता भक्ति का रूप है। सीता कौन है? भक्ति रूपी सीता है। तो कहते हैं सीता पति, पहला भक्ति मिल जाए और दूसरा मेरा पति मिल जाए। आपका पति कौन है? ये जगत के स्त्री पुरुष में जो पति पत्नी का संबंध है, ये व्यवहारिक जगत का है। जो भी हमारी बेटियां, माताएं, बहनें या जो भी हैं पुरुष जितने भी हैं, ये किसी जन्म में कहीं और थे, किसी जन्म में कुछ और थे, किसी जन्म में किसी के पति, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के पत्नी, इसी तरह से जीवन का निर्वहन होता रहा है। लेकिन वास्तविक पति कौन है? वास्तविक पति तो मेरा परमात्मा है। तो कहा तुलसी सीता पति भगत, तुलसी सीता पति भगति, सीता रूपी भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा पति यानी मेरा पति मिल जाए, यानी वह परम तत्व तो परमात्मा मिल जाए। फिर क्यों भगति कह रहे हैं? अगर आप सीता पति हैं तो सीता को अगर आप भक्ति बना रहे हैं तो फिर भगति कहने को तुलसीदास की क्या जरूरत थी? तो कहा भगति का अर्थ है भग धन इति। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को और इति कहते हैं समाप्त हो जाना। यानी जब यह त्रिगुणमयी प्रकृति से आप परे हो जाएं, यानी आपका त्रिगुणमयी प्रकृति आपके ऊपर प्रभाव न छोड़ सके, मतलब इससे आप परे हो जाएं, तो परे होंगे कहां जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो जब मुक्त होंगे तभी भग धन इति भक्ति, भग से इति हो जाएगी, यानी इस प्रकृति से आपकी इति हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भग धनवान अर्थात भगवान, भगवान वान मतलब क्या होता है? वान का मतलब होता है चालक, जैसे गाड़ी वान, रिक्शा वान कहते हो ना आप, रिक्शा वान, गाड़ी वान ऐसे बोलते हो ना, तो गाड़ी वान मतलब गाड़ी का चालक, रिक्शावान मतलब रिक्शे का। तो भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति, और त्रिगुणमयी प्रकृति को संचालित करने वाला कौन है? वान यानी परमात्मा। तो यहां पे कितनी गुप्त बात कही गई है कि तुलसी सीतापति भगति। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं सीता रूपी भक्ति से भक्ति मिलेगी, किससे? जब आप राम कथा सुनेंगे तब उस भक्ति के द्वारा क्या मिलेंगे? हमारे पति मिलेंगे। कौन पति मिलेंगे? जिनसे हम जन्म जन्म से बिछड़े हैं वो हमारे पति मिल जाएंगे। और जब हमारे पति मिल जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पति रहते कहां हैं? कहां रहते हैं वो? प्रकृति में रहते हैं? नहीं, प्रकृति से परे रहते हैं। तो जब परे रहते हैं तो फिर यहां तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सीता पति भगति, यानी जब प्रकृति से परे रहते हैं तो भगत यानी प्रकृति, प्रकृति से इति यानी परे, वह हमारा परमात्मा हमें मिल जाएगा। और यही सात सुमंगल हमारे जीवन में है। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सिर्फ एक है कि राम कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में सुमंगल हो जाता है। और आज वही राम कथा आपके जीवन में सुमंगल लेकर के आई है। आपके हृदय भवन में रघुराज विराजे, राजाधिराज राम बने, फिर वह राम आपके जीवन का, आपके शरीर का, आपके अवध का संचालन करें, उसके राजा बने और आपका संचालन करें, आपका नियमन करें, आपका पालन करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है? उसी कथा को सुनने के लिए आज हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। कथा चल रही थी, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, बहुत सारे राजा जब मां भवानी, मां जगत जननी जगदम्बा सीता लेकर के जयमाल पहनाने के लिए भगवान को जाती हैं, जयमाल पहना देती हैं,
यहाँ तक कथा हम लोगों ने पिछली बार सुनी थी। तो कुछ एक दुष्ट राजा आपस में मंत्रणा करने लगे कि चलो इससे छीन लिया जाए, धनुष तो टूटी नहीं। तो लोगों ने क्या मंत्रणा किया कि चलो सब लोग मिलकर के, हम लोग दसों हजार राजा हैं, सब लोग मिलकर के इनको मारपीट करके इनसे सीता को छीन लिया जाए, फिर आपस में कटेंगे मरेंगे, फिर जो बचेगा वो सीता को लेकर के जाएगा। इतनी अज्ञानता है। ऐसा वो लोग विचार ही कर रहे थे तब तक खड़ाऊ पटकते हुए परशुराम जी पधार गए। और जब परशुराम जी पधारे तो विपुल बार मही देवन दीना, एक बार नहीं विपुल बार, 21 बार सुना है कि उन्होंने हैहय वंश को समूल नाश कर दिया था, एक बार नहीं। और जब उनको देखे तो थर 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 थर, वही जो राजा तलवार निकाल करके अकड़ करके खड़े हुए थे, सबकी तलवारें म्यान में घुस गईं, पैर ऐसे काट कांप रहे हैं जैसे काटा हुआ पेड़ हिल रहा हो, अब गिर जाऊंगा कि तब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा कि तब गिर जाऊंगा, यह स्थिति हो गई। ऐसे कहा जाता गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहना चाहते हैं मानो मानो पाला पड़ गया हो, तुसार पड़ गया हो, यह स्थिति हो गई राजाओं की एक परशुराम के आने से। अच्छा, परशुराम के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूं। परशुराम प्रभु राम के ही अंशावतार हैं। फिर से एक बार कहना चाहता हूं, यह तत्व की बात है, रहस्य की बात है। हमारे राम प्रभु जो अवध में आए हैं वह भी दो स्तर पर। अगर हम उसे व्यवहारिक जगत पर देखें, मतलब व्यवहारिक धरातल पर देखें, तो अंशावतार के रूप में हम उन्हें समझ सकते हैं, और अगर अंदर के धरातल पर देखें तो पूर्ण अवतार के रूप में समझ सकते हैं। ये दो बात आप समझने की देर है, कि आप समझ लोगे तो समझ लो पूरा रामचरितमानस समझ में आ जाएगा। देखिए, रामचरितमानस की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो की बात कही है, और 80% व्यवहारिक जगत की बात को कथा को कथा के रूप में कही है। ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि 20% जो बात है वह अंतर जगत की बात है, जिसे सूक्ष्म शरीर की बात कहते हैं, और 80% जो बात है वह स्थूल की बात है। तो अगर हम राम को देखें, तो अगर हम अंतर जगत के राम को देखें, जो हमारे अंतर जगत के राम हैं, तो ज्ञान ही राम है, विवेक ही लक्ष्मण है, भाव ही भरत हैं, और सत्संग ही शत्रुघ्न है। ये अंतर जगत के राम हुए। बात समझ में आ रही है? ये सूक्ष्म जगत के राम हैं, जो हमारे अंतर जगत में है, और जो व्यवहारिक जगत के राम हैं वो राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, वो व्यवहारिक जगत के हैं। तो यह जो लीला है यह दो प्रकार से चल रही है। जो न समझ सकते हो तत्व को, वो बाहर की लीला को समझ करके आनंद ले, और जो तत्व को समझ सकते हैं वो अंदर की लीला में प्रवेश करें। तो अभी हम थोड़ी सी अंदर की लीला की चर्चा करना चाहते हैं। ये जो परशुराम हैं, ये भी प्रभु के ही, उस राम के, कौन राम? अब प्रश्न होता है कि कौन राम? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बहुन, वो राम, वो राम जो बिना पैर के चलता है, बिना सुनता है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का स्वाद लेता है, वो राम, वाणी नहीं है लेकिन उसके जैसा कोई वक्ता भी नहीं है, वो राम, वो अंतर जगत का राम है, वह हमारे
अंतर जगत का राम है, और वह जो अंतर जगत का राम है अगर वह बाह्य जगत में देखा जाए तो बाह्य जगत में उस राम को और अंतर जगत के उस राम को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भिन्नता है। भिन्नता क्या है? बाह्य जगत का राम बारह कला से है, बाह्य जगत का राम बारह कला से है, अंत जगत का राम अनंत कला से है। लोग कहते हैं कि सोलह कला से कृष्ण आए, ऐसा कहा जाता है। अरे पागल, हमारे राम की कला की गिनती करने की क्षमता तुम्हारे में है? कदापि नहीं। एक सज्जन ने कहा कि हनुमान जी तो आज के सुपर जेट विमान से भी, वो फाइटर जेट विमान से भी तीव्र गति से सजीवन बूटी लेने के लिए गए थे, ऐसा कहीं मैंने किसी जगह पढ़ा, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं पढ़ा मैंने, शायद फेसबुक पर था। किसी ने वो कैलकुलेशन किया कि रात्रि के इतने बजे लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है, इतने देर तक विलाप करते हैं, फिर इतने देर के बाद सुखेन वैद्य को लेने जाते हैं, फिर लेकर के आते हैं, फिर भोर में दो ढाई बजे, ऐसा उन्होंने लिखा था कि तीन बजे के करीब हनुमान जी को दक्षिण से उत्तर आना था, तो दक्षिण कहां लंका और उत्तर कहां, अब विचार करिए, हिमालय पर्वत ठीक उत्तर, और लगभग दूरी वो कह रहे थे कि 4000 किलोमीटर से कम नहीं है, और उतने में काल नेमी भी उनको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब किया, तो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया तो कहा लगभग लगभग हनुमान जी महाराज 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गए और आए, बीच में थोड़ा भरत जी ने भी डिस्टर्ब किया था उनको, ऐसा आप लोग जानते भी हैं। हमको हंसी आई। अब हमको हंसी क्यों आई कि ऐसे मूर्ख लोग जो कैलकुलेशन करते हैं परमात्मा की व्यवस्था में जाकर के अपनी बुद्धि फंसाते हैं, उनको यह रंच मात्र का नहीं पता है, रंच मात्र का नहीं पता है कि परमात्मा की अलौकिक क्षमता में अपनी लौकिक बुद्धि घुसा करके आखिर क्या हम क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए माता जगत जननी जगतम्बा ने सीता ने क्या वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां ये आपके पास रहें ऐसा नहीं कहा था, आप जिसको चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। हमारे हनुमान जी की गति को यह लौकिक दृष्टि के लोग नापने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिनकी गति मन की गति से भी करोड़ गुना ज्यादा है। हमारे हनुमान जी की गति कितनी है? मन की भी गति से करोड़ गुना ज्यादा है। ऐसे ऐसे प्रभु की, ऐसे भगवान के भक्त की गति को हम लौकिक दृष्टि से नापने का कुत्सित प्रयास करें, इससे ज्यादा पीड़ा का कोई और कार्य नहीं हो सकता। राम हमारे अलौकिक हैं, लिए नहीं है कि हमको इतनी कला मिली, कृष्ण कला के लिए नहीं है कि हमको इतनी कला मिली। वो जो स्वयं जगत को कला प्रदान करते हैं उन्हें भला इतनी और उतनी कला की क्या जरूरत है कि 12 कला और 14 कला और 16 कला। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जो 12 कला है यह लोगों की अपनी लौकिक बुद्धि ने समझा था। राम के अंदर 12 प्रकार की कलाओं को लोगों ने अपनी लौकिक बुद्धि से जाना था, समझा था,
लेकिन राम की अनंत कलाओं को लौकिक बुद्धि न जान सकती है न समझ सकती है, इसलिए वह समझ से परे हैं। समझ से कैसे परे हैं, आप खुद जान लो कि जो बिना पैर के चलता हो, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि बिना कान के सुनता है, बिना पैर के चलता है, और बिना हाथ के कर्म दुनिया भर के कर देता है। आनन रहित मुख नहीं है और सकल रस भोगी, सभी रसों का स्वाद लेता है। यह क्यों नहीं समझ पाते लौकिक दृष्टि के लोग कि रसो वैसा है, मेरा परमात्मा तो रस रूप है ही, उसे रस बाहर के रस की जरूरत क्या है, जो रसो वैसा है वो सहस्त्र शीर्षा अपुर सा सहस्त्राचौ सहस्त्र पातौ सभूमि विश्वतो वृत्वाय तिष्ठ। ये कोई सहज बात है? उस राम के बारे में हम अपनी लौकिक बुद्धि से कैलकुलेशन करें, ये हमारी अज्ञानता है, ऐसी गलती ना करें। कलाएं, जानकारी गिनना समझना बताना, यह लौकिक दृष्टि में लौकिक लोगों के लिए है। आप ध्यान से समझें, पशु पक्षी जो है 1, 2, 3 कलाओं से होते हैं, मनुष्य 5 से 6 कलाओं तक होता है। मनुष्य की कलाएं 5 कलाएं तक अधिकतम होती है, 3, 4, 5 कलाएं तक होती है, अधिकतम 6 कला तक होती है। 6 कला के बाद कोई संत के श्रेणी में जाते हैं तो 7-8 कला तक आ जाते हैं। इसके बाद जो पूर्ण स्थिति के प्राप्त, जिनकी स्थिति यह है, यह हितेर जितः सर्गो एषा साम्ये स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्राह्मणी ते स्थिता, ऐसी स्थिति वाले 10 कला तक जाते हैं। लेकिन यह कला लौकिक दृष्टि से एक यंत्र मापन है, ये माप है, ये कैलकुलेशन है। इससे अगर इसके चक्कर में आप फंसोगे तो राम के रामत्व से आप वंचित रह जाओगे। राम के रामत्व से जुड़ना है तो राम को यह समझना होगा आपको कि राम वह नहीं जो बाहर के दृष्टि में है, राम वह है जो आपके अंदर के दृष्टि में है। आनन रहित सकल रस भोगी, जो बिना मुख के समस्त रसों का भोग करता है, बिन वाणी मुख नहीं है, बक्तावर जोड़ी जोगी, बुला लो फोटोग्राफर खिंचवा लो फोटो, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई बेदिनाना, बुलाओ फोटोग्राफर खींचे फोटो उसकी कि बिनु पग चले बिना पैर से चलता, सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई बेदिनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ताबड़ ग्रह घ्राण बिनु बास अनेका, नाक भी नहीं है और समस्त प्रकार के बास को लेता है। ऐसे राम के बारे में हम लौकिक दृष्टि अपनाएं यह उचित नहीं है। इसलिए आप जैसे लोगों से मैं ये जरूर कहूंगा कि राम के रामत्व को समझने के लिए तत्व की बात को अपने अंतर उतारना होगा। तो वह राम जो बाहरी दृष्टि में राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि में, अंदर की जगत की दृष्टि में, वह राम बिना हाथ पैर वाले राम है जो हमारे अंतर हृदय में है। कैसे है? कहा ज्ञान रूपी राम। अच्छा, ज्ञान का कोई हाथ पैर है क्या? ज्ञान नहीं होता कि गंदा है ये अच्छा है तो आप गलत कर जाते, कोई जरूरी तो है नहीं। एक व्यक्ति है जो ज्ञानवान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अब ज्ञान में भी कई ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान और आत्मज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान है। कर्म में भी कई प्रकार के कर्म हैं। कर्म कैसे हैं? कहा कर्मणो अपि बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्य गहना कर्मणो गति, कर्म अकर्म विकर्म। उसी तरह से ज्ञान की भी कई परिभाषा है, इसकी चर्चा करूंगा तो कई दिन बीत जाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि ज्ञान रूपी जो राम है वह कोई बाहर के ज्ञान रूपी राम नहीं है कि अच्छा है कि ये बुरा है, उसी को जान गए तो हमारे अंदर राम आ गया। राम तो आपके अंदर है लेकिन आपके अनुभव में नहीं है।
तो कौन सा राम है? कहा आत्मज्ञान रूपी राम। जो आत्मज्ञान रूपी राम है वह राम कैसा है और कहां रहता है? तो कहा न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वो राम है। उस राम को जानने के लिए बाहर की जगत की मैं थोड़ी कथा कह करके फिर अंदर की जगत में जाता हूं, अंदर की जगत की खुद चर्चा करके फिर मैं बाहर के जगत में, इसीलिए आता हूं बार बार कि आप दोनों बातों को सूक्ष्मता से पकड़िए। तो परशुराम कौन है? राम के ही अंशावतार हैं, लेकिन विपुल बार कई बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, कई बार युद्ध उन्होंने अपने फरसे से जीता। तो परिणाम क्या हुआ? जब कोई कार्य व्यक्ति बार 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 करे और उससे लोग डरे तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। समझने का प्रयास करना, मैं अंदर की बात चर्चा कर रहा हूं। जब कोई बात कोई कार्य व्यक्ति बार बार करता है और उससे लोग डरने लग जाएं और प्रशंसा भी करें और डरें भी, तो वो लोगों का डर देख करके और अपनी प्रशंसा सुन करके थोड़ा अभिमानी हो जाता है। तो जब है कौन? वही राम का ही अंश है परशुराम। अभिमान आ गया है, अभिमान। इस कथा को मैं साठ में इसलिए कहना चाहता हूं कि आगे मुझे विवाह की चर्चा करनी है। तो जब अभिमान आया तो उस अभिमान का अंकुरण हो उससे पहले हमारे राम जी क्या करते हैं? उस अभिमान के अंकुरण को जड़ समूल तोड़ करके फेंक देते हैं। तो वही अभिमान जब शिव धनुष टूटा, खड़ाऊं पटकते हुए राजा जनक के दरबार में आ पहुंचे। अब राजा जनक के दरबार में आए जो कुछ राजा थे जो सीता जी को हरण करने की मंत्रणा कर रहे थे, वो डर के मारे कांपने लगे। परशुराम ने एक चिक्कार भरी, एक आवाज निकाली जोर से कि किसने राम का धनुष, किसने शिव का धनुष तोड़ा, हमारे गुरु का धनुष किसने तोड़ा? अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो राजा जितने थे सब डर के मारे कांपने लगे, अपने अपने पिता और पिता के पिता के पिता के पिता का परिचय दे करके उनको प्रणाम करने लगे कि हमारे बाबा दादा को आप ही काट डाले थे, मैं उन्हीं का बचा हुआ एक ठो, बचा लीजिए हमको। ऐसा करके सब अपने अपने पिता का नाम लेकर के और दादा परदादा का नाम लेकर के परिचय देने लगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यह कह दे, क्रोध में लाल हैं, परशुराम हैं। राजा जनक जी उठे। अब देखिए, पहले प्रणाम करके राजा जनक जी बैठे, पहले प्रणाम करके आते ही प्रणाम किया राजा जनक ने, बैठ गए। जब उनका तड़क भड़क सुना तो चुप रहे। अब एक बात कहना चाहता हूं, राजा जनक बैठे हैं, परशुराम चित्कार रहे हैं क्रोध में, आंखें लाल हैं और कह रहे हैं कि उनको जिसने धनुष तोड़ा सो बिलगाई बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा उसको अलग कर दो और नहीं सबके सबको मारूंगा। अब तक तो बहुत ज्यादा आ जाए, किस क्रोध आ जाए, तो उसके क्रोध को करुणा में कौन बदल सकता है? आप सबके पास इसका उत्तर है। किसी को क्रोध आ जाए, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए, और उसके क्रोध को करुणा में कौन बदल सकता है? एक है, उदाहरण दे रहा हूं। देखिए बाबा, आजकल बहुत ज्यादा लोग कहते हैं महाराज जी हमारे यहां तो चार ठो बेटियां पैदा हो गई, एक आध ठो बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, कौन वंश चलाएगा, ऐसा मानना है। मैं आपसे कहूं, वो आपका वंश चलाएगा कि नहीं चलाएगा ये राम जाने, लेकिन जो बेटियां हैं ये करुणामयी हैं, ये आपकी इज्जत जरूर बचाएंगी, ये आपकी मर्यादा जरूर रक्षा करेंगी। आज जनक जी
अंदर से भयभीत हैं, क्षत्रिय हैं, राजा हैं, परशुराम का क्रोध है और जानते हैं कि इस क्रोध में अगर कोई भी जाएगा उनके सामने तो फरसा उनका चल जाएगा। उन्होंने तुरंत इशारे से जानकी को बुलाया और जानकी को बुला करके चरणों पर गिरा दिया। कोई बेटी अगर कोई व्यक्ति क्रोधित हो, कोई बिटिया हो घर में, जा करके उसके पास खड़ी हो जाए, उस क्रोधी व्यक्ति के पास, मेरा विश्वास है कि उसका जो क्रोध है वो करुणा में बदल जाएगा। उसके ऊपर हाथ रख करके चूम लेगा, माथे पर हाथ रख करके संवार देगा, मेरी बेटी है, गुस्सा कैसा। ये बेटियां होती हैं। आधा क्रोध परशुराम का मां जानकी ने उनके चरण छू करके समाप्त कर दिया और अचल हो यही बात तुम्हारा, जबलग गंग जमुन जलधारा। सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल गया। अब जब सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल गया तो आधा काम तो यही समाप्त हो गया। अब कौन क्या कुछ कर सकता है। फिर भी क्रोध थोड़ा बढ़ा। भगवान राम आए और स्वयं बोले कि कोई और नहीं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हई को एक दास तुम्हारा, होई हई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा जो यह कार्य करेगा। भगवान राम ने परशुराम के सामने खड़े होकर के प्रणाम करके कहा तो राम को परशुराम ने जब देखा, अब देखिएगा, राम ने परशुराम को देखा, राम ने परशुराम को देखा, फिर परशुराम ने राम को देखा। जब राम ने परशुराम को देखा और तब तक परशुराम जब तक राम को देख पाते तब तक राम ने परशुराम को सम्मोहित कर दिया। हां, हमारे प्रभु में एक सबसे बड़ी कला है, वो जिसका चाहे बल पौरुष पल भर में हरण कर लें और जिसको चाहे बल पौरुष पल भर में दे दें। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दें और मच्छर को ब्रह्मा बना दें। परशुराम को राम ने देखा और जब राम को परशुराम ने देखा तब तक भर में राम जी ने परशुराम को सम्मोहित कर दिया। और सम्मोहन की अवस्था कैसी है, बाबा मानस में लिखते हैं, राम ही चितै रहे थकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितै रहे थकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। राम को बस देखा, थकिलोचन, थकिलोचन का मतलब होता है स्तंभित, स्तंभन आ गया, आंखें देखती रह गई, उस रूप सुधा का पान आंखें करती रह गई, नजर ही न हटे और अंदर अंदर घबराए कि मैं तो भीतरागी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मेरे अंदर ये किस तरह से भाव उतर रहा, ये मैं क्या कर रहा हूं, अंदर अंदर घबराहट है, ये मुझसे बाणी क्यों नहीं निकल रही, क्या हो गया है मुझे। और फिर धीरे से कहते हैं कि भगवान शिव को का आवाहन करते हैं और कहते हैं, प्रभु थोड़ा सा अपना उग्र रूप दीजिए ना, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। किसको, गुरु को पुकारते हैं और यह नहीं पता है कि सारा खेल उनके गुरु का ही है और कोई यहां नहीं। एक सखी जो थी वो कौन है, वही उनके गुरु भगवान शिव हैं, वही करा रहे हैं। भगवान शिव उनके कान में धीरे से कहते हैं, इसमें हमारी नहीं चलेगी,
तुम्हारा साक्षात तुम्हारे परमात्मा से एकाकार करवा दिया है, अब तू जाने या वो जाने, तीसरे को जानने की यहां जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज बीच में आते हैं, प्यार से जब भगवान राम बोलते हैं कि नाथ संबोधन भंजन निहारा हो यही क्यों एक, तो तुरंत बड़े क्रोध में भर करके, थोड़ा सा क्रोध बनावटी ही रहा हो, मैं समझता हूं बनावटी ही था, परशुराम ने कहा कि सेवक जो सो करे सेवकाई, अरी करनी अरी करई लड़ाई, अगर वो अरी का कार्य करता है तो दुश्मन का कार्य करके दुश्मनी ही करेगा, सेवक कार्य सेवकाई है, हमारी दुश्मनी नहीं है, जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से इशारा किया कि देखिए आप सीधे सरल हैं, ये आपसे नहीं होगा, आप थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा सा आप बगल हटिए, हाँ अब ध्यान दीजिए, ज्ञान जब ज्ञान है, आत्मज्ञान अंतर थोड़ी सी एक ऐसे स्वरूप को, एक ऐसी मर्यादा को लेकर के चलता है कि आत्मज्ञान कभी विचलित नहीं होता, न होने देता है, लेकिन विवेक जो है, विवेक रूपी लक्ष्मण, वो थोड़ा सा राम जी को इशारा करता है, यानी ज्ञान से कहता है थोड़ा आप पीछे और हम आगे। साठ में कह रहा हूं, शुरू हो गए लक्ष्मण जी महाराज। अब देखिए यहां मैं जो बात वहां से उठाया था कि परशुराम के अहंकार को राम को तोड़ना है, तो राम कैसे तोड़ेंगे, विवेक से तोड़ेंगे। अहंकार टूटता कैसे है, विवेक से टूटता है, लेकिन पीछे विवेक के पीछे कौन है, कहा ज्ञान रूपी राम खड़े हैं। वार्तालाप दोनों लोगों में होता है, कई बार अपना हाथ उठा करके परशुराम फरसा चलाना चाहते हैं, लेकिन मानो हाथ ये कह रहा है मैं तो पहचान गया आप नहीं पहचान, परशुराम को अचरज होता है, ये मेरा हाथ बोल रहा है क्या, कह रहा मैं तो पहचान गया आप नहीं पहचान रहे हो, तो तुम ही बताओ ये कौन है, तो हाथ कहता है ये शेष है और शेष को काटा नहीं जा सकता, भाजक भाज्य गुणन फल शेष, शेष कभी कटता है, गणित जिसने पढ़ी होगी, कटता है, तो लक्ष्मण जी कौन है, शेष है, तो शेष कटेंगे नहीं कटेंगे, तो हाथ कह रहा है मैं पहचान गया महाराज आप नहीं पहचान पा रहे हो, ये शेष है, इसलिए हाथ परशुराम का कार्य करना बंद कर देता है, हाथ शेष को पहचान जाता है इसलिए हाथ उठता नहीं, और परशुराम के मन में विस्मय हो रहा है कि ऐसे मेरा हाथ उठ क्यों नहीं रहा, बार बार उठाना चाहते हैं लेकिन हाथ जवाब दे देता है, अब क्या करें, अब देखिए उनके अहंकार टूट रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ बोल करके लक्ष्मण जी उनको बिगड़ा देते हैं, फिर उछलने कूदने लग जाते हैं, फिर फरसा तानते हैं, लेकिन फरसा उठता ही नहीं। अंत में भगवान राम आकर के कहते हैं मैंने धनुष तोड़ा है, जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, मैं सर झुका करके स्वीकार करता हूं। विचार करिए हाथ में फरसा है, भगवान ने उन्हें स्तंभित कर रखा है, वो चाह करके भी फरसा नहीं चला पा रहे हैं, ये अंदर से परशुराम जानते हैं, और परशुराम के मन में अब अंतर्द्वंद चल रहा है, क्या वही तो नहीं जिनका मैं अंश हूं, क्या वही नारायण तो नहीं जिन्होंने मुझे स्तंभित कर रखा है, यह जीवन में मेरी पहली बार हो रहा है, क्या वही तो नहीं कि जिनका अवतरण हो चुका हो, क्या वही तो नहीं कि मेरे आराध्य आ गए हों, ऐसा मन में प्रश्न पर प्रश्न उठ रहा है। अब शंका का निवारण कैसे हो, तो एक धनुष उनके पास और थी, और उन्हें पता था, उनको यह वरदान था कि जब राम का अवतार होगा, भगवान नारायण इस जगत इस धराधाम पर आएंगे,
तो यह धनुष की प्रत्यंचा वो आपके द्वारा लेकर के चढ़ाएंगे, तो परीक्षा कैसे करूं? हाथ पहचान गया, शरीर पहचान गया, एक जड़ फरसा है वो भी पहचान गया, लेकिन बुद्धि अभी भी तर्क कुतर्क कर रही है। राम सामने खड़ा है लेकिन बुद्धि तर्क कुतर्क कर रही है, यहां तक माया है, ध्यान रखना। तब क्या किया? तब प्रकृति रूपी परशुराम ने ध्यान रूपी धनुष, प्रकृति रूपी परशुराम ने ध्यान रूपी धनुष का सहारा लिया और कहा, राम रमापति कर धन ले हूं, खैचहु चाप मिटई संदेहु। राम रमापति कर धन ले हूं, खैचहु चाप मिटई संदेहु। ऐसा कह करके जब अपनी धनुहा की तरफ इशारा किया कि मैं उसको निकाल करके आपको दे रहा हूं, आप इसका चाप चढ़ा दो, मेरा संदेह दूर हो जाए। अब देखिए परमात्मा की व्यवस्था, जड़ को चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं। चेतन कौन थे? परशुराम, उन्हें जड़ बना दिया। चेतन कौन थे? परशुराम, उन्हें जड़ बना दिया। और हाथ में जो धनुष है वो जड़ है, उसे चेतन बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ रहा है, देत चाप आपु ही चली गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। देत चाप आपु ही चली गयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। आपु ही चली गयउ, देना चाहे लेकिन देने के पहले ही जड़ चाप जो था ध्यान रूपी धनुष कहां चला गया? प्रकृति से उठा और परमात्मा में प्रवेश कर गया। ध्यान रखिए, यही आपकी साधना, यही आपका ध्यान, यही जो ध्यान रूपी धनुष है, जब परमात्मा का सामना होगा तो आप प्रकृति में बैठ करके परशुराम की स्थिति में प्रकृति से जुड़े हैं, इसलिए ध्यान रूपी धनुष आपका जब परमात्मा से मिलन कर जाए, कब? जब परमात्मा सन्मुख होंगे तो फिर ध्यान की अवस्था वह परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाएगी, तो मन में एक विस्मय उत्पन्न होगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों होगा? क्योंकि जब चुंबक की परिधि में कोई भी लोहा जाएगा तो उसे वो खींच ही लेगा, इसमें विचारने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा अपने पास हमें बुला ही लेगा। वो तो कहता है, तू अगर 10 कदम चलता है तो मैं तेरे लिए 100 कदम चल करके आगे बढ़ करके तुझे अपने पास बुला लेता हूं। तो जब बुला लेते हो प्रभु, तो परीक्षा क्यों लेते हो? परीक्षा इसलिए लेता हूं कि तेरे अंतर जगत में जन्म जन्म की कामनाएं जो भरी पड़ी हैं, जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन खुरापात कर रहा है, उसको तुमसे दूर करने के लिए तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अर्पित मनोबुद्धि, तब क्या होगा? कहा, मामे वैश्यसि संशय, तभी तू मेरा हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब तू अपना मन और अपनी बुद्धि हमें दे देगा। जब तक तू अपने मन और बुद्धि को हमें नहीं दे पाओगे, तब तक तुम मुझसे एक रूप नहीं हो पाओगे। हमारे और तुम्हारे बीच में माया खेल खेलती रहेगी और तुम्हें माया के प्रपंच में चलना ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की स्तुति करके परशुराम जी चले गए। फिर सतानंद ने तुरंत जनक जी को आज्ञा दी, जैसे वशिष्ठ जी राजा दशरथ के गुरु हैं, वैसे सतानंद जी जनक जी के गुरु हैं। देखिए एक बात और कहूं, रिश्ता आज के जमाने में लोग कुंडली मिलाते हैं,
बिना कुंडली के शादी नहीं होती, ऐसा मानना है लोगों का, मेरा नहीं लोगों का, मैं तो इन सब पर विश्वास नहीं रखता। लेकिन देखिए कुंडली कैसे मिलती है, अगर देखा जाए थोड़ा सा तो मिथिलेश यानी जनक जी, अवधेश यानी दशरथ जी, अब गिनती करिए, अवधे स मिथिले स, बराबर दोनों बराबर हुआ। अब दूसरे भाव में देखा जाए जो मिथिलेश हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है निमिरथ जनक। क्या नाम है? निमिरथ जनक, तो निमिरथ, तो इधर कौन है? दशरथ, बराबर मिला। अब देखो यहां पे कौन है, यहां हमारे राम हैं, तो उधर कौन है? सीता। दो अक्षर, दो अक्षर, ठीक है, दो के बाद तीन होना चाहिए। तो यह हमारे पास भरत हैं, भर, और उधर कौन है? मांडवी, ठीक है। इधर हमारे लक्ष्मण हैं, साढ़े तीन अक्षर, दो के बाद तीन हुआ, तीन के बाद कितना होना चाहिए? साढ़े तीन। तो साढ़े तीन में हमारे हैं लक्ष्मण, उधर हैं उर्मिला, साढ़े तीन साढ़े तीन। और इसके बाद चार चार वाले शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, बराबर बराबर बैठ रहा है ना। अच्छा देखिए, इधर राजा जनक के चार बेटियां, उधर राजा जनक राजा दशरथ के चार बेटे। अरे राजा दशरथ की तीन रानियां थी तो बेटे भी तीन ही होने चाहिए थे, लेकिन कितने हुए? इधर राजा जनक की चार बेटियां हैं, सब हिसाब किताब बराबर बैठ रहा है। अब इससे बड़ी कुंडली कौन मिलेगी बताओ जरा, इससे बड़ी कुंडली क्या हो सकती है कि पिता का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम, जिधर भी देखिए सब कुछ बराबर मिल रहा है। राजा दशरथ के यहां दूत आते हैं जनक के, अचकचा जाते हैं राजा दशरथ, लेकिन जब दूत कहते हैं कि कठोर शिव धनुष को आपके पुत्र राम ने तोड़ दिया और हम आपके यहां शादी करने के लिए आपको लेकर के आए हैं कि आप बारात सजा करके चलिए, विचार करिएगा, राजा दशरथ के खुशी का पारावार नहीं। पत्रिका जैसे ही हाथ में लेते हैं विशुद्ध हो जाते हैं, तन मन की शुद्ध नहीं रहती, किसी तरह से उठ खड़े होते हैं और सीधे गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं। और गुरुजी ने उनके हाथ से पत्रिका ली और कहा बहुत शुभ समय है, बस इसी समय हम सभी को बारात का प्रस्थान कर देना चाहिए। बारात के लिए जब संदेश मिलता है भरत और शत्रुघ्न को, मानो उनके हृदय में एक आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। दोनों भाई लोग कहते हैं कि मेरे भैया की शादी है, अभी उन्हें यह नहीं पता है कि उनका भी उसी में वो भी लपटाने वाले हैं। ऐसा उन लोगों को, स्वयं लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है कि वहां क्या होने वाला। बारात चलती है, राजा जनक ने राजा दशरथ की सीमा के बाहर जितने भी राज्य हैं सब राज्यों में सारे राजाओं को राजा दशरथ की बारात का स्वागत करने का आदेश दे रखा था। और जब राजा दशरथ बारात लेकर के जाते हैं, पहुंचते हैं, आप सबको क्या बताऊं, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी दीनहीन हो जाते हैं, रो उठते हैं और कहते हैं आज मैं आपके सामने एक याचक के रूप में खड़ा हूं। जनक जी ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप,
कि नहीं आप दाता हैं, आप हमारे कुल का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री का दान कर रहे हैं, आप दाता हैं, मैं एक याचक के रूप में आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं कि आप मुझे अपनी बेटी का दान कर दीजिए। दशरथ की वाणी सुनकर के जनक अंदर से आनंदित हो उठे और उन्होंने कहा, राजन निश्चित तौर से आपके बारे में जो सुना था, वास्तव में आप राम के पिता हो सकते हैं, आपके अलावा कोई राम का पिता हो भी नहीं सकता। तो दशरथ कौन है जिसने अपनी दसों इंद्रियों को रथ बना लिया हो, वही तो दशरथ है। जिसकी इंद्रियां जिसके वश में हो गई हों तो उसके मन से, उसके बुद्धि से, उसके वाणी से अगर दिव्य शब्द नहीं निकलेंगे तो किसके ऐसे निकलेंगे। इसलिए राजा दशरथ का अभिवादन किया। अब एक बात आई, तीनों राजकुमारों को जब देखा मिथिला की रानियों ने तो खुशफुसाहट अंदर अंदर शुरू हो गई कि ये जो तीनों और हैं, मेरी तीन और बेटियां हैं, तो क्यों ना इसी समय इन तीनों का भी एक ही खर्चे में निपटा दिया जाए। प्रस्ताव राजा दशरथ के पास आया। राजा दशरथ तो मानव ब्रह्मानंद समाना, इतनी खुशी अपरंपार खुशी, कहने लगे एक साथ में ये चार सुख, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सुख, ये चार एक साथ में मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इतनी खुशी है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बहुत अच्छा है, और चारों बेटियों का, चारों बेटों के साथ में लगन संपन्न हो गया। अब जब लगन होने लगा, मंडप तैयार हुए, विस्तार की कथा है, समय का अभाव है। जब लगन हुआ तो लगन होने लगता है तो मिथिला की जो नारियां हैं बड़ी विदुषी हैं, बहुत विदुषी हैं, तो वो अब तो भाई गालियां शुरू हो गई, और गाली हल्की फुल्की नहीं, ठीक ठाक, राम को ही देख करके, तो राम को देख करके गाली देती हैं। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादा, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमारे राम जी थोड़े सांवले हैं, इसलिए गा रही हैं कि देखिए ना करिया का लूटा कहां से आ गया, मेरी प्यारी प्यारी गोरी गोरी सिया जी को धनुष तोड़ करके विवाह करके ले जा रहा है ये काला का लूटा। इसलिए कहा, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के, काली काली जुल्फे और केस घुघराले, काली काली केस घुघराले, हो लट घुघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, कुसुम कली मन मानी, लाली के रंग बादामी,
कुसुम कली मन मानी लाल के रंग बादामी, कुसुम कली बादा लाल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादामी, दुल्हा के नैन कजरा रे अधर अनुना रे, नैन कजरा नैन कजरा रे अधर अनुना रे, अधर अनुना रे अधर नैन कजरा रे अधर अनुना रे, मधुर मधुर मुस्कानी लाल के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कानी लाल के रंग, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादामी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादामी, राजा जनक की सेवा से अवध के सारे नर नारी जो बाराती बनकर के गए थे इतने प्रसन्न हैं कि चहुओर प्रशंसा कर रहे हैं, चहुओर प्रशंसा हो रही है, चारों भाइयों का विवाह हो रहा है, लेकिन विदुषी नारियां बार बार भगवान को ही टारगेट करती हैं, हमारे राघव को ही टारगेट करती हैं और कहती हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों माथे मड़ी मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मौरी और कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मौरी और कुंडल सोहे कनवा, कारे कारवा कारे कारे कजरा रे, कारे कारे कजरा रे जुलमी लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों सावर सांवर गोर गोर जोड़िया जहान है, सांवर 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 गोर गोर जोड़िया जहान है,
अखियों न देखली न सुनली कान है, अखियों न अखियों न देखली न सुनली है कान है, जुग जुग जोड़ी जिए बे मिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बे मिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल, चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में बड़का, जिनके लागे योगी योगी तप तप कैलन, जिनके लागे योगी योग जप तप कैलन, जिनके लागे योगी योग जिनके लागे योगी योगी जप तप कैलन, ते हमरे मिथिला में मेहमान भैलन, ते हमरे मिथिला में मेहमान भैलन, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल, चारों दुल्हा में बड़का कमाल, चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में बड़का, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज चारों दुल्हा में बड़का, चारों दुल्हा में। आप सब जाने जब यह गीत चल रहा है भांवर फिरने लगी, भगवान राम ने जब माँ जानकी को आगे किया, भगवान राम ने जब माँ जानकी को आगे किया, सात फेरा हो रहा है, और जब सात फेरा चल रहा है, मां जानकी ने भगवान राम को पीछे से देखा थोड़ा सा मुड़ करके, क्योंकि मां जानकी आगे हैं, भगवान राम उनके पाछे हैं, और जब भगवान राम को पीछे मुड़ करके थोड़ा सा देखा, पता नहीं कोई एक सखी ने गा दिया, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खूमा, जादू नगरी से आया कोई जादूगर लेके, लेके पहला पहला प्यार भर के, पलट करके जब मां जानकी ने देखा तो उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब कदम जब आगे नहीं बढ़ रहे हैं भावर फेरते समय, तो सखियों ने सोचा कहीं लोग समझ न पाए कि मां जगत जननी जगदम्बा सीता के लिए, कि कहीं ये स्तंभित तो नहीं हो गई प्रभु को देख करके, या प्रभु ने कोई ऐसा मंत्र तो नहीं कर दिया कि मां सीता स्तंभित हो गई हैं। तो प्रभु का ध्यान खींचने के लिए अपने ओर, प्रभु का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए मिथिला की नारियों ने पूछना शुरू किया भगवान से, बताओ पहुना
अब बताव पूहुना जे जे पूछतानी बतिया, बताव पहुन जे जे पूछतानी बतिया, बताव पहुना बताव पहुना जे जे बताव एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी, एगो बतिया सुन के एगो बतिया सुन के मन में अचरज लागे भारी, खीर खाई बालक जन्मावे अवधपुरी किनारी, खीर खाई बालक जन्मावे अवधपुरी किनारी, खीर खाई बालक जन्मावे अवधपुरी किनारी, खीर खाई बालक कैसन रीतिया हमें समझाओ पहुना, ई कैसन रीतिया हमें हाँ बताओ पहुना, अब बताओ पहुना जे जे पूछतानी बतिया, बताओ पहुना अब बताओ पहुना, हाँ बताओ पहू जे जे पूछतानी बतिया, और एक रीति रघु कुल की सारे जग से न्यारी, और एक रीति रघु कुल की सारे जग से, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए साँच साँच कुछ ना छिपाव पहुना, कहूँ साँच साँच कुछ ना जे जे पूछतानी बतिया, बताव पहुना जे जे पूछतान, मातु पिता जब गोरे होते गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो गोरे छोरा छोर, मातु पिता जब गोरे हुए गोरे छोरा, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम तब क्यों गोरे जब दशरथ कौशल्या गोरी, यही दुविधा के तनिक मिटाव पहुना, यही दुविधा के तनिक मिटा, जे जे पूछतानी बतिया, बताव पहुन जे जे पूछतानी। इस प्रकार से गीत गा करके भगवान राम को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती, और कुछ कारण नहीं है कि जब वह गीत गाने लगती हैं तो भगवान हमारे थोड़ा सा मुस्करा करके उनकी तरफ देख लेते हैं, और तनिक सा मुस्कराहट, थोड़ी सी मुस्कान। हमारे राम कैसे हैं? राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन है। कहा 100 करोड़ कामदेव मिल जाएं, एक कामदेव की बात नहीं है, 100 कोटि सुभगतन, 100 करोड़ जब कामदेव मिल जाएं, फिर भी उनकी सुंदरता को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही हमारे राघव हैं, और ऐसे राघव को बार 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 मिथिला की नारियां अपने ओर आकर्षित करने के लिए प्यारा प्यारा गीत गा रही हैं, और गाते गाते शादी संपन्न होती हैं। अब बारात की विदाई है, बारात की विदाई हम सब अगले सत्र में करेंगे। माँ सीता अपनी बहनों के साथ
अवधपुरी में जब पहुँचेंगी तब हम लोग वहाँ की चर्चा करेंगे। वहाँ की चर्चा भी बड़ी मधुर है, बड़ी दिव्य है। बस आप सब प्यार से राम कथा के इस सरोवर में डुबकी लगाने के लिए आते रहें और राम कथा को अपने हृदय में उतारते रहें, क्योंकि राम की कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान शिव हंस का रूप धारण करके गरुण जी के पास, कागभूषुंडी जी के पास जाते हैं। हंस का रूप धारण करके स्वयं नारायण जिसकी पीठ पर बैठे हैं और जिनकी क्षमता कितनी है कि समुद्र मंथन के समय देवतालोक मदराचल पर्वत को उठाए, उठ नहीं पाया, थोड़ा सा उठा, कितने देवता और असुर साथ में मिलकर के उठा रहे थे, तो उस मंदराचल पर्वत को भगवान के आदेश पर गरुड़ जी अपने पंजे से उठाया और समुद्र के किनारे ले गए। वो गरुड़ जी जिनकी पीठ पर नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं, कथा सुनने के लिए कागभूषुंडी के पास जाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि कथा कैसे भी हो, किसी भी तरह से बोले जाए, कथा वाचक के अंतर में उठने वाले भाव को समझने का प्रयास किया जाए। कथावाचक कहना क्या चाहता है? कथावाचक का सिर्फ इतना ही आशय है कि आपके जीवन में सुमंगल उतर जाए, आपका जीवन जिस लिए इस धराधाम पर आया है, जिस निमित्त के लिए आया है, जिस कारण आया है, वह कारण सिद्ध हो जाए। क्योंकि यह जो जीवन है, मनुष्य का जो तन है, इस तन को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। और ये आप सब जानते भी हैं, कई बार चौपाई पढ़ भी चुके हैं, एक बार हमारे साथ भी आप सब गाएं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। यह साधन का धाम है, मोक्ष के दरवाजे पर आप खड़े हैं, मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं। बस दरवाजे का जो ताला है वो बंद है, खुलेगा कैसे? चाबी किसके पास है? तो खुलेगा चाबी किसके पास है, ये दोनों बातें उनको सोचने की जरूरत है। वो सोचें जिनके पास गुरु नहीं है, जिनका जीवन शुरू नहीं है, जिसके पास जीवन में गुरु आ गया, जिसका जीवन शुरू हो गया है, उसके हाथ में गुरुदेव ने अपनी कृपा बरसात करके नाम रूपी चाबी पकड़ा दी है। उस नाम रूपी चाबी को खोलने का तरीका भी बता दिया है। अपाने जुहत प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। उस क्रियाविधि का अनुसरण करके नाम रूप लीला और धाम, ये चार विधियों से, इस चार जो पिलर हैं, ऐसे समझ लो कि एक चारपाई हो और उस चारपाई के चार पाए हो, नाम रूप लीला और धाम। यह चौपाई भी उसी चार पाए पर ही बनी है, जितनी भी चौपाई, इसलिए चौपाई, चौपाई का अर्थ ही है
कि जो नाम रूप लीला धाम का दिग्दर्शन करा दे उसी का नाम चौपाई है, अन्यथा वह चौपाई नहीं है। और मानस में ऐसी कोई चौपाई नहीं है जिसका एक किसी एक चौपाई का स्मरण करने से, ध्यान रखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि एक जो आप पढ़ते हैं वो अर्धाली है, चौपाई नहीं है। चौपाई का मतलब चौपाई होता है, ये जो आप एक स्टेंजा पढ़ते हैं जैसे दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये अर्धाली है, चौपाई पूरी हो। आपने देखा होगा कि दो दो अर्धाली एक एक साथ में लिखी रहती है, और उसको देखोगे आप ध्यान से देखोगे तो बीच में रेखा है, जैसे एक सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, एक इधर दो हुआ। फिर मान लो मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो एक इधर हुआ और एक इधर चार हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं जो मैं कह रहा? तो ये जो चौपाई है, इस चौपाई में नाम रूप लीला धाम का दर्शन होता है प्रभु का। कोई भी आप चौपाई उठा लीजिए, सब में अगर तत्वतः देखेंगे तो प्रभु के नाम रूप लीला धाम का कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें प्रभु का नाम न आता हो, र म स न आता हो। कुछ लोग कहते हैं कि एक चौपाई है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना, लेकिन ये अर्धाली है, चौपाई नहीं है। चौपाई आएगी तो राम का नाम जरूर आएगा, इसलिए यह चौपाई नाम रूप लीला और धाम, यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंत में कि सतपंच चौपाई। क्या कहते हैं? सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। यही कारण है कि मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए दीक्षित शिष्य हैं, मैंने उनको उत्तर कांडे के 63 नंबर दोहा से लेकर के 68 नंबर दोहा तक नित्य पाठ करने के लिए बोला हुआ है। गयउ गरुण जह बसई भुसुंडा से लेकर के, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जरूर करते होंगे, और जो नहीं करते रहे हों अब तक वो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। श्यावर रामचंद्र की जय।